बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बाबर नदीम हेयर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 33 देखेंगे सीपीसी का, और हम ऑर्डर 10 को पढ़ेंगे। हम लोगों ने जो है वो यही पढ़ा था ना कि अब कोर्ट ने क्या करना है, प्रोसीडिंग इश्यूज सॉरी रिटर्न स्टेटमेंट आने के बाद अब कोर्ट ने जो है वो 3-3 दिन की डेट डालनी है, और कोर्ट ने प्री ट्रायल प्रोसीडिंग करनी है अंडर ऑर्डर 10, ऑर्डर 11 एंड ऑर्डर 12। ठीक है, ये कोर्ट ने, और मीनवाइल कोर्ट ने अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है उसका प्रोसीजर भी देखना है, और केस मैनेजमेंट क्वेश्चन। तो मैंने कहा था कि मैं आपको हर एक जो है ना एक एक लेक्चर में पढ़ाऊंगा, तो आज जो है हम देखेंगे एग्जामिनेशन अंडर ऑर्डर 10 जो है। ठीक है, इसको हम देखेंगे। देखो, मैं आपको कोशिश करता हूं कि कहानी की सूरत में ये सारा कुछ समझा दूं, फिर अगर उसकी समझ आ गई तो फिर उसके बाद वो जो टेक्स्ट पढ़ना है उसकी कोई वो नहीं रह जाएगी सैंक्टिटी। ठीक है, उसको पढ़ना आसान हो जाएगा अगर आप मेरी बातों को जो है वो गौर से सुनेंगे। बात ये है कि प्लेंट आ गई, रिटर्न स्टेटमेंट आ गई। ठीक है, अब हमने ये पढ़ा था जनरल रूल्स ऑफ प्लीडिंग्स, और हमने पढ़ा था कि वो प्लीडिंग्स उस लिहाज से लिखेगा जो कि ऑर्डर 6 कहता है, 7 कहता है और 8 कहता है। अच्छा, अगर वो इन चीज़ों से डाइवर्ट करे और इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा ना करे, मसलन वो ऑर्डर 6 रूल 2 के मुताबिक वो मटेरियल पार्टिकुलर यानी स्टेटमेंट नहीं देता मटेरियल फैक्ट्स की, या रूल 4 के मुताबिक वो डिटेल नहीं देता फैक्ट्स की, ठीक है, या वो प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन नहीं लिखता, व्हाटसोएवर जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उसका एक तो ये है कि कोर्ट उसको जो है उसका दावा जो है वो, चूंकि वो वाजे नहीं है तो दावा या जवाब दावा तो उस पर कोई ऑर्डर कर दे, लेकिन लॉ प्रेफर ये करता है कि कोर्ट उसको एक मौका दे, कोर्ट उसको एक मौका दे कि वो अपनी प्लीडिंग को जो है वो वाजे कर ले। ठीक है, अच्छा, उसके लिए हमने पढ़ा था एक रेमेडी तो ये पढ़ी थी कि ऑर्डर 6 रूल 5 के तहत कोर्ट बेटर स्टेटमेंट का कह सकती है, जिसको हम रेप्लिकेशन भी बोलते थे। ठीक है, लेकिन बच्चों एक रेमेडी और है, ठीक है, और वो है एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज, यानी जब किसी पार्टी की प्लीडिंग वाजे नहीं है, ठीक है, तो कोर्ट उसको एग्जामिन कर सकती है अंडर ऑर्डर 10। ठीक है, और एग्जामिन करने से क्या मुराद है, उससे सवाल पूछे जाएंगे और फिर उसका जवाब लिखा जाएगा नरेटिव फॉर्म में, उसको जो है वो क्या किया जाएगा, उसको लिखा जाएगा। ठीक है, अच्छा, ऑर्डर 10 सिर्फ यही नहीं है कि जहां पे प्लीडिंग वाजे नहीं है वहां पे ये अप्लाई करेगा, बल्कि ये एक और चीज भी कहता है कि जहां पे कोर्ट को ये लगे कि भाई ये जो इसने फैक्ट्स बताए इसकी मजीद डिटेल चाहिए, यानी मजीद उसके फैक्ट्स फॉर द रियल कंट्रोवर्सी टू डिटरमिन द रियल कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज, तो कोर्ट वहां पे भी पार्टी को एग्जामिन कर सकती है। तो ऑर्डर 10 जो है वो बेसिकली दो चीजों से डील कर रहा है, एक तो प्लीडिंग के हवाले से, कि प्लीडिंग के हवाले से पार्टी को जो है एग्जामिन किया जा सकता है। ठीक है, और एक जो है जो फैक्ट्स इन डिस्प्यूट है उनकी मजीद एक्सप्लेनेशन के लिए कोर्ट जो है वो पार्टीज को क्या कर सकती है, एग्जामिन कर सकती है। एग्जामिन करने से क्या मुराद है कि पार्टी से सवाल जवाब किए जा सकते हैं कि ये बता दो, ये बता दो, कब्जा किसका है, तरफैन बता दो। ठीक है, एक मिसाल आपको दे रहा हूँ, अच्छा आपने पैसे लिए दिए, ये सारी चीज़ें जो है उसमें जो है वो शामिल है। ठीक है, अच्छा, तो अब इसमें क्या है कि प्लीडिंग के हवाले से भी पूछा जा सकता है, और फिर जो है वो उसके हवाले से भी पूछा जा सकता है, फैक्ट्स की एक्सप्लेनेशन के हवाले से भी पूछा जा सकता है। जो प्लीडिंग के हवाले से है वो रूल 1 डील कर रहा है, और जो मसलन उसको एग्जामिन करना है कोर्ट में, तो वो जो है वो रूल जो है वो रूल 2 है। ठीक है, अच्छा बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं कि ठीक है,
कोर्ट एग्जामिन कर सकता है लेकिन कोर्ट ट्रायल नहीं कर सकेगा। देखिए फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज, इसका स्कोप इतना होगा कि या उस प्लीडिंग के बारे में अगर रूल वन की बात की जाए तो या उसको वो एडमिट करे या डिनाई करे अपने फैक्ट्स को जो उसने अपनी प्लेंट या रिटर्न स्टेटमेंट में लिखे हैं, ठीक है। इससे बाहर कोर्ट नहीं जाएगी, यानी जब जैसे ट्रायल में क्रॉस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पे नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर किसी उसको ओरल एग्जामिन करना है तो भी सिर्फ इस हद तक उसको जो है वो एग्जामिन किया जाएगा टू असर्टन द फैक्ट्स ऑफ द केस, इस हद तक किया जाएगा, उसके ट्रुथ में नहीं जाएगा कोर्ट, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है ये ऑन ओथ नहीं होंगी बल्कि ये स्टेटमेंट विद ऑन ओथ होंगी, ठीक है। और एक और बात भी बता दूं, अगर एक पार्टी ने एक स्टेटमेंट बनाई दी ना कोर्ट में तो वो स्टेटमेंट उस पार्टी के अगेंस्ट तो इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन जो दूसरी पार्टी है ना ऑपोजिट पार्टी वो उसको अफेक्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसको तो क्रॉस का राइट ही नहीं मिला। तो ये नहीं होगा कि एक पार्टी एग्जामिनेशन में कोई बात कह गई है तो कोर्ट जो है वो उसको उसका इन्फ्रेंस जो है वो दूसरे के खिलाफ ले ले, ऐसे नहीं होगा। इसीलिए कह रहे हैं कि इसमें ट्रायल नहीं होगा, इसमें सिंपल क्या होगा, फैक्ट्स की एक्सप्लेनेशन होगी, असर्टेनमेंट जो है वो होगी, ठीक है। तो अब हम इसको जो है ना वो देख लेते हैं, तो फिर इंशाल्लाह हम इसको आगे लेके चलते हैं। मैंने ना आपके लिए बड़ी मेहनत करके कुछ लिखा है, देखें। Why order 10? Why order 10? If the pleading of party is vague due to violation of the rules of pleading as mentioned under rule 6, 7, 8 or where the court considered that in order to determine the real controversy between the parties, further better statement of party is required, the court may examine that party, his pleader or any person present in the court in connection with the suit in order to determine the real controversy between the parties. ये चीज उसने कहा है order 10 किस लिए, उसने कहा जहां pleading वाज़े नहीं है या जहां जहां पे court समझती है कि facts की explanation होनी चाहिए तो वहां पे court उस पार्टी को भी और प्लीडर को भी, और अगर उस उसमें कोई विटनेस या कोई और बंदा उस दावे से रिलेटेड वहां पे मौजूद है कोर्ट में तो कोर्ट उसको क्या कर सकती है, एग्जामिन कर सकती है। सो ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ ऑर्डर 10 इज टू शॉर्टन द ट्रायल बाय एलिमिनेटिंग द फॉल्स एंड फ्रिवोलस इन्वेस्टिगेशन। देखना, जब एक पार्टी को कहा जाएगा कि भाई या तस्लीम करो या इनकार करो तो बात वाजे हो जाएगी, जब वाजे हो जाएगी तो अगर वो फ्रिवोलस लिटिगेशन है तो कोर्ट जो है उस पर क्या कर देगी, ऑर्डर कर देगी। मतलब एक पार्टी ने कहा जी कि इसने ये पहले भी दावा किया है लेकिन मेरे पास उस दावे की कॉपी नहीं है, ठीक है, तो लिहाजा रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है। तो अब कोर्ट ने जो है वो क्या कहते हैं दूसरी पार्टी को एग्जामिन किया और उससे पूछा कि हाँ भाई तुमने पहले कोई दावा किया था, तो ऑब्वियसली वो कहेगा कि हाँ जी मैंने किया था, तो अगर वो करेगा तो कोर्ट के लिए आसानी हो जाएगी कि उस दावे को वहीं पे जो है वो डिसाइड कर दिया जाए। तो फॉल्स एंड फ्रिवोलस लिटिगेशन या अननेसेसरी लिटिगेशन जो है उसको एलिमिनेट किया जाए ताकि प्लीडिंग वाजे के थ्रू एडमिशन, ये रूल वन, एंड असर्टेनमेंट ऑफ द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, और ये रूल टू है एग्जामिनेशन के थ्रू। तो होप कि आपको ऑर्डर 10 की जो है वो समझ आ गई है, ठीक है। अच्छा, वेदर प्रोसीडिंग अंडर ऑर्डर 10 इज मैंडेटरी, ठीक है। तो इसके लिए वो कहता है ऑर्डर 9A रूल 1 स्टेट्स दैट द कोर्ट शैल फिक्स अ डे फॉर प्रोसीडिंग अंडर ऑर्डर 10। हमने वो पढ़ा था कि अब जो है वो ऑर्डर 10A जो है वो 9A जो है वो कहता है जी कि अब कोर्ट ने एक दिन जो है ऑर्डर 10 की कार्रवाई के लिए रखना है। लेकिन However, where the parties are not at variance or where the pleading of the parties are clear, there is no need of any examination under order 10. देखें ना, जब सब कुछ वाजे है ना मजीद वजाहत की जरूरत है तो उस सूरत में पार्टीज के एग्जामिनेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, लेकिन कोर्ट ने एक दिन रखना है और उस दिन देखना है कि उसकी जरूरत है या नहीं है। अच्छा, ऑर्डर 10 का स्कोप क्या है? Order 10 permits the court to examine the parties only for the purpose of clarifying the pleading or explaining the facts of the case, but not to use the said provision as a mean of trial of suit. Yani trial nahi hoga. In other words, the examination of the parties is necessarily be restricted to the admissions. जो एग्जामिनेशन हो रहा है वो सिर्फ एडमिशंस या डिनाइल के हद तक हो, विच आर स्पेसिफिकली एडमिटेड, विच आर नॉट स्पेसिफिकली एडमिटेड या डिनाइड, जो किसी पार्टी ने स्पेसिफिकली एडमिटेड या डिनाई नहीं किए, या फिर किस लिए हो, फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ द फैक्ट्स ऑलरेडी मेंशन्ड इन द प्लीडिंग, सिर्फ उस हद तक हो, ठीक है। अच्छा, आगे वो कहता है
Examination under TAN is to be recorded without oath, but parties will remain bound down by their respective statement. लेकिन पार्टी अपनी स्टेटमेंट के बंद रहेंगी. हाउ आर स्टेटमेंट मेड बाय अ पार्टी कैन नॉट बी यूज अगेंस्ट द ऑपोजिट पार्टी अनलेस अ राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन इज प्रोवाइडेड टू दैट ऑपोजिट पार्टी. जब तक दूसरी पार्टी जो है वो उसको क्रॉस का राइट नहीं मिलेगा तो वो जो स्टेटमेंट उसने दी है कोर्ट में अंडर ऑर्डर 10 उसकी कोई वैल्यू जो है वो नहीं होगी. ठीक है, अब हम आते हैं रूल वन के. रूल वन का टाइटल ये है Ascertainment of whether allegation in pleading are admitted or denied. ठीक है, इसको जी हम एक दफा पढ़ लेते हैं. ये क्या कहते हैं, कहता है जी के एट द वेरी फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट. बच्चों इससे क्या मुराद है, फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट से क्या मुराद है कि जिस दिन उसकी जो है वो रिटर्न स्टेटमेंट आ गई और कोर्ट ने 3 दिन से ज्यादा की डेट नहीं डालनी तो कोर्ट ने जो 9A की प्रोसीडिंग के लिए रखना है उसको कहेंगे एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट. द कोर्ट शैल सर्टन फ्रॉम ईच पार्टी और इज प्लीडर वेदर ही एडमिट्स आर डिनाइज सच एलिगेशन. लो जी जो रूल वन है वो पार्टी या प्लीडर की हद तक है. ठीक है, उनसे पूछा जाएगा क्या आप एलिगेशन ऑफ फैक्ट आर मेड इन द प्लेंट आर रिटन स्टेटमेंट. एक जनरल क्वेश्चन किया जाएगा कि भाई ये जो प्लेंट में जो दावा है इसका डिफेंडेंट से पूछा जाएगा तुम इसको डिनाई करते हो या एडमिट करते हो. ठीक है, and as are not expressly or by necessary implication admitted or denied by the party against whom the maid. और फिर उससे जो है वो किन चीजों के बारे में पूछा जाएगा के एडमिट करें या डिनाई करें जो उसने स्पेसिफिकली जो है वो एडमिट या डिनाई नहीं की. ठीक है, द कोर्ट शैल रिकॉर्ड सच एडमिशन या डिनाइल और कोर्ट इस एडमिशन या डिनाइल को नोट भी करेगा. ठीक है, अब आ जाए इधर. एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट मैंने आपको बता दिया कोर्ट शैल. शैल का मतलब क्या बच्चों, कि कोर्ट जरूर करेगा ये काम ना, यानी ठीक है. अच्छा जी, फिर और क्या करेगा कोर्ट, असर्टेन करेगा. क्या करेगा कोर्ट असर्टेन, किससे असर्टेन करेगा, फ्रॉम ईच पार्टी आर हिज प्लीडर. और क्या असर्टेन करेगा, वेदर ही एडमिट्स आर डिनाइज सच एलिगेशन ऑफ फैक्ट एज मेड इन द प्लेंट आर रिटन स्टेटमेंट. जो प्लेंट में लिखा हुआ है या रिटन स्टेटमेंट में लिखा है वो तुम एडमिट करते हो या डिनाई करते हो. ठीक है, एक और बात पूछी जाएगी, whether he admits or denies such allegation of facts as are not expressly or by implication admitted or denied. और वो फैक्ट जो उसने अपने दावे या जवाब दावे में स्पेसिफिकली एडमिट या डिनाय नहीं किए अगेंस्ट होम दोज जिसके अगेंस्ट एलिगेशन बनाए गए हैं. ठीक है, तो उसको उन्होंने स्पेसिफिकली एक्सप्रेस या डिनाय नहीं किया. मसलन प्लेंटफ अपने दावे में कहता है इसने 500 रुपया मुझसे उधारा लिया है. ठीक है, अब वो ना हाँ करता है, वो ना करता है, वो क्या कहते हैं, तो फिर उससे सवाल पूछा जाएगा कि क्या आपने प्लेंटिव से 500 रुपया उधारा लिया. ठीक है, तो या उसका हाँ में जवाब दे या वो ना में जवाब दे. ठीक है, और जहां पे हाँ ना में जवाब वाजे मौजूद होगा वहां पे एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं है. एंड द कोर्ट शैल रिकॉर्ड एडमिशन आर डिनायल. तो होप के बच्चों आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई. दोबारा बताता हूँ, एडमन जज के पास एक दावा दायर हुआ. एडमन जज ने उसके ऊपर जो है वो स्क्रूटनी की, देखा सारे डॉक्यूमेंट लगे हैं, उसने समन कर लिया. डिफेंडेंट आया, कोर्ट ने उसको रिटर्न स्टेटमेंट का मौका दिया, उसने रिटर्न स्टेटमेंट जमा करवा दी. फिर 9A ने कहा कि अब आपने 3 दिन से ज़्यादा की डेट नहीं डालनी और प्री ट्रायल प्रोसीडिंग के लिए केस को फिक्स किया जाए. प्री ट्रायल प्रोसीडिंग में कौन सी प्रोसीडिंग आती है, ऑर्डर 10, 11, 12 की. ठीक है, और फिर उसमें 2 प्रोसीडिंग्स और आती हैं, एक वो EDR की और यानी अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और एक जो है वो केस मैनेजमेंट क्वेश्चनर की जो है वो आती है. ठीक है, अच्छा, तो कोर्ट ने सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन ऑर्डर 10 की जो है वो कार्रवाई शुरू की. कोर्ट ने दोनों की प्लीडिंग्स को पढ़ा और कोर्ट ने देखा कि हाँ भाई ये क्या कहता है, इनकी प्लीडिंग्स क्या बोलती है. तो कोर्ट ने क्या किया कि उनकी प्लीडिंग्स को पढ़ा और उनको पढ़ने के बाद ठीक है कोर्ट ने देखा कि कौन कौन से फैक्ट्स जो हैं वो जिनकी वजाहत नहीं है. ठीक है, तो कोर्ट ने क्या किया कि वो फैक्ट जो स्पेसिफिकली डिनाई नहीं थे या जो स्पेसिफिकली एडमिट नहीं किए गए थे उसके बारे में कोर्ट ने उस पार्टी से क्वेश्चन किया कि इस पर अपना वाजे जवाब दें कि आप जो है वो क्या कहते हैं. ठीक है,
अच्छा, उसके बाद कोड ने वो जो एग्जामिनेशन किया उसको क्या किया, कोड ने जो है उसको रिकॉर्ड भी कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं रूल टू के ऊपर, ठीक है। अच्छा अच्छा बच्चों, इसमें ना उसने रूल 1A भी डाला है, लेकिन 1A का ना इससे कोई तलक नहीं बनता, वो क्या कहते हैं ऑर्डर 10 के साथ ना। एनी आओ, ये ना ये बेसिकली 1A रिपील भी हो चुका है। अगर मैं आपको दिखाऊं ना, यहाँ पे क्लास 3 ऑफ 1A ऑफ ऑर्डर 10 हैज बीन रिपील्ड बाय पंजाब अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्ट पब्लिश इन द पंजाब डेटेड ये हाउ एवर इट शैल कम इन टू फोर्स ऑन सच डेट एज इन सच एरियाज एज पंजाब ऑफ पंजाब एज द गवर्नमेंट डिटरमिन द नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट। तो अभी ये नोटिफिकेशन नहीं हुआ ना, यानी ये वाला जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्ट है ये अभी इन्फोर्स नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि अभी 1A इन्फोर्स रहेगा। जिस दिन वो इन्फोर्स हो जाएगा उस दिन ये 3 जो है वो रिपील हो जाएगा। अच्छा, ये क्या कहता है, ये कहता है द कोर्ट में अडॉप्ट एनी लॉफुल प्रोसीजर नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ द कोर्ट टू कंडक्ट प्रिलिमिनरी प्रोसीडिंग एंड इशू ऑर्डर फॉर एक्सपीडाइटिंग द प्रोसेस ऑफ द केस, ठीक है। कोर्ट केस को जो है वो जल्दी करने के लिए कोई भी इंक्वायरी होल्ड कर सकती है, कोई भी जो है वो ऑर्डर इशू कर सकती है, ठीक है। उसके बाद इशू विद द कंसेंट ऑफ द पार्टी कमीशन टू एग्जामिन विटनेसेस, पार्टीज की कंसेंट के साथ कोर्ट विटनेसेस को एग्जामिन करने के लिए कमीशन ऐड कर सकती है, डॉक्यूमेंट एडमिट करने के लिए कमीशन अपॉइंट कर सकती है, या दूसरे पर्पस ट्रायल के लिए जो है कोर्ट पार्टीज की कंसेंट के साथ कमीशन जो है वो अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। अट ऑल विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज एनी अल्टरनेट मैटर ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इंक्लूडिंग मीडिएशन कंसीलिएशन और एनी सच अदर मैटर। इंशाल्लाह जब वो हम करेंगे ना वो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, तो मैं इसको अच्छी तरह से जो है वो एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं रूल 2, ठीक है। असल में रूल 1 और रूल 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सही, 1 ही इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑरल एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टी आर कंपेनियन ऑफ द पार्टीज, ठीक है। देखिए, अब रूल 2 आ गया। पहले स्कोप क्या था कि डॉक्यूमेंट प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट से कोर्ट ने बाहर नहीं जाना था, उसके बारे में कोर्ट ने क्वेश्चनिंग करनी थी। लेकिन अब रूल 2 में क्या है, कोर्ट ने जो है जो वो फैक्ट्स जो ऑलरेडी हैं उनकी एक्सप्लेनेशन के लिए यानी मजीद वजाहत के लिए कोर्ट किसी भी बंदे को क्या कर सकती है, वो कर सकती है ओरल एग्जामिनेशन से मुराद के डायरेक्ट एविडेंस के वो कोर्ट में खड़ा है और कोर्ट उससे क्या करे, क्वेश्चन कर ले, ठीक है। ओरल का मतलब ये नहीं है कोर्ट उसको रिकॉर्ड नहीं करेगी उस एग्जामिनेशन को। कोर्ट देखे ना रूल 3, सब्सटेंस ऑफ टू बी रिटन द सब्सटेंस ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी रिड्यूस्ड टू राइटिंग बाय जज एंड शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, ठीक है। अच्छा जी, एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट और एनी सब्सिक्वेंट हियरिंग। लो बच्चों, पहला फर्क जो रूल 1 और 2 में आ गया वो था सिर्फ एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट, लेकिन ये है एनी सब्सिक्वेंट हियरिंग, यानी कोर्ट किसी भी डेट के ऊपर जो है क्या कर सकती है, एनी पार्टी अपीयरिंग इन पर्सन, कोर्ट एग्जामिन कर सकती है पार्टी को जो कि कोर्ट में क्या हो, मौजूद हो, ठीक है, किसी भी पार्टी को बुला के अपीयरिंग इन पर्सन और प्रेजेंट इन कोर्ट या कोर्ट में जो मौजूद है। ना सिर्फ कोर्ट उसको कर सकती है बल्कि एनी पर्सन एबल टू आंसर एनी मटेरियल क्वेश्चन रिलेटिंग टू द सूट बाय होम सच पार्टी आर इज प्लीडर इज अकम्पनीड, या उस बंदे को जिसके साथ जो 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 किसके साथ आया है, पार्टी या प्लीडर के साथ आया है, तो कोर्ट उससे भी कोई क्वेश्चन जो है वो उससे पूछ लिए शैल बी एग्जामिन्ड ऑरली बाय द कोर्ट एंड द कोर्ट मे थिंक फिट पुट इन द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन क्वेश्चन सुजेस्टेड बाय इधर पार्टी। और कोई भी पार्टी अगर कोई क्वेश्चन सुजेस्ट करेगी तो कोर्ट उससे वो क्वेश्चन भी पूछ सकती है। देखो बच्चों, यहाँ पे एक बात लिखा है एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टी बाय द कोर्ट नॉट बाय द ऑपोजिट पार्टी, तो एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टी किसका इख्तियार है, कोर्ट का इख्तियार है, लेकिन उसको सुजेस्ट किया जा सकता है कोर्ट को कि आप जो है इनको ये क्वेश्चन पूछने और ये क्वेश्चन ना पूछे, ठीक है। तो अब मैंने इसको भी इजी करके आपके लिए जो है वो लिखा है, वो क्या है, एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट आर एनी सब्सिक्वेंट हियरिंग क्या होगा, द कोर्ट शैल, कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट शैल ओरली एग्जामिन किसे, एनी पर्सन अपीयरिंग इन पर्सन आर प्रेजेंट इन कोर्ट, कोई भी आदमी कोई भी पार्टी जो इन पर्सन है या वो कोर्ट में प्रेजेंट है, जो इन पर्सन आ रही है या कोर्ट में जो है वो क्या है, वो प्रेजेंट है, ठीक है। फिर
एनी पर्सन एबल टू आंसर एनी मटीरियल क्वेश्चन रिलेटिंग टू द सूट बाय होम सच पार्टी ऑफ क्रिएटर इज अकंपनीड, या वो कोई भी आदमी जो कि उसके साथ आया है और वो दावे से रिलेटेड किसी भी सवाल का जो है वो क्या कर सकता है, जवाब दे सकता है। द कोर्ट कैन ऑल्सो पुट अ क्वेश्चन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन एज सजेस्टेड बाई द पार्टी, किसी पार्टी के कहने पर भी कोर्ट जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछ सकती है। तो बच्चों ये था रूल टू, सिंपल सी बात है कि रूल वन जो है वो अप्लाई करेगा जहाँ पे प्लीडिंग्स की वजाहत चाहिए, और रूल टू वहां अप्लाई करेगा जहां पे कंट्रोवर्सी की जो है वो वजाहत चाहिए। ठीक है, रूल वन जो है वो फर्स्ट हियरिंग पे होगा, रूल टू जो होगा वो फर्स्ट हियरिंग पे भी हो सकता है, वो सबसीक्वेंट हियरिंग पे भी हो सकता है। रूल वन में सिर्फ पार्टी या उसका जो प्लीडर है उसको एग्जामिन किया जा सकता है, लेकिन जो रूल टू है उसमें पार्टी भी हो सकती है, प्लीडर भी हो सकता है, या कोई ऐसा बंदा जो कि पार्टी या प्लीडर के साथ आया है और वो कोर्ट में मौजूद है, कोर्ट उसको भी की जो है वो क्या कर सकती है, उसको एग्जामिन कर सकती है। ठीक है, और उधर था फॉर डिनायल या एडमिशन, और इधर किस लिए है, फॉर असर्टेनमेंट ऑफ द फैक्ट्स जो है। ठीक है, तो उसके बाद आगे चलते हैं। द कोर्ट कैन ऑल्सो पुट अ क्वेश्चन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन एज सजेस्टेड बाय इधर पार्टी। ठीक है, अच्छा अब डिफरेंस क्या है इसमें रूल वन और टू में, इधर एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट है रूल वन में, लेकिन उधर सब्सिक्वेंट हियरिंग पे भी हो सकता है। रूल वन इज रिस्ट्रिक्टेड टू अकॉर्डिंग टू एडमिशन एंड डिनायल, वेयर एज रूल टू इज फॉर द पर्पस ऑफ असर्टेनिंग द रियल कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज। रूल वन ओनली पार्टी और प्लीडर कैन बी एग्जामिन्ड, बट अंडर रूल टू ओनली पार्टी और प्लीडर बट एनी पर्सन प्रेजेंट इन कोर्ट इन कनेक्शन विद द सूट कैन बी एग्जामिन्ड। ठीक है, तो बच्चों ये था रूल टू। ठीक है, होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, अच्छा आगे कुछ भी नहीं रह गया। रूल थ्री कहता है कि वो जो ओरल एग्जामिनेशन हुआ है उसका जो सब्सटेंस ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी रिड्यूस, यानी कोर्ट ने क्वेश्चन हर क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो उसने बात बताई है कोर्ट उसका क्रक्स जो है, सब्सटेंस ऑफ द एग्जामिनेशन क्या क्या मुराद है, उसका जो क्रक्स है, खुलासा है, उसको कोर्ट इन राइटिंग लेके आएगी। ठीक है, और उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएगी। अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आ गई, कंसीक्वेंसेस ऑफ रिफ्यूजल आर इनएबिलिटी ऑफ द प्लीडर टू आंसर द क्वेश्चन। देखें, पार्टी खुद मौजूद थी, उसने जवाब देने से इनकार कर दिया। अच्छा, अगर प्लीडर से पूछा क्वेश्चन तो प्लीडर ने इनकार कर दिया, या प्लीडर ने माजरत कर ली कि मुझे इसका जवाब नहीं आ रहा, या कोई पर्सन मौजूद था उसने माजरत कर ली या इनकार कर दिया जी मुझे इसका जवाब नहीं आता, तो उस सूरत में कोर्ट क्या करेगी कि कोर्ट वो प्लीडर या पर्सन पे नहीं रहेगी, कोर्ट पार्टी को इन पर्सन तलब करेगी और उसको कहेगी जवाब दे। अगर उस पार्टी ने जवाब ना दिया या वो पार्टी आई ना, तो अब कोर्ट क्या करेगी बच्चों, कोर्ट कोई ऑर्डर भी कर सकती है। कोर्ट याद है, याद करें ऑर्डर 9 रूल 12 हमने पढ़ा था कि अगर कोर्ट किसी पार्टी को इन पर्सन बुलाए और वो पार्टी इन पर्सन ना आए, तो कोर्ट उस पार्टी को बिल्कुल ऐसे ही डील करेगी जैसे कि वो दावे से गैर हाजिर हो गया। तो गैर हाजिर होने की सूरत में क्या होता है, अगर डिफेंडेंट ना आए तो एक्स पार्टी होता है, अगर प्लेंटिव ना आए तो दावा क्या हो जाएगा, अदम पैरवी खारिज हो जाएगा, या कोर्ट जजमेंट भी अनाउंस कर सकती है। तो रूल 4 जो है वो बहुत सिंपल है, वो कहता है Where the pleader of any party who appear by a pleader or any such person accompanying a pleader as is referred in rule 2 refuses or is unable to answer any material question relating to the suit which the court is of the opinion the party whom he represent ought to answer and is likely to be able to answer if interrogated in person, the court may postpone the hearing of the suit to future day and direct that such party shall appear in person on such day। yani person ya pleader ke hone unke hone pe ya unke inkar pe ya unki inability pe court ne order nahi karna, balki court ne party ko bula ke usse wo baat jo puchni hai, aur if such party fail with the lawful accused to appear in person on the day, so, और अगर ये पार्टी कोर्ट में आने से इनकार कर देती है, the
कोर्ट में प्रोनाउंस जजमेंट, तो कोर्ट जजमेंट भी प्रोनाउंस कर सकती है और मेक सच ऑर्डर इन रिलेशन टू द सूट एज थिंग फिट, या जो भी मुनासिब ऑर्डर हो, जैसा कि मैंने बताया ऑर्डर 10 रूल 12, उसके तहत कोर्ट जो है वो क्या कर सकती है, ये इन्फ्रेंस ले सकती है कि जैसे कि वो कोर्ट में आया ही नहीं, चाहे उसका वकील जो है वो क्या हो, हाजिर हो। तो बच्चों ये था ऑर्डर 10, तो कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए। अच्छा, आपको एक और चीज़ भी मैंने अभी बतानी थी, एक मिनट। इसके साथ ना प्लीज़ आपने हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर जो है ना वो उसका चैप्टर वॉल्यूम 1 चैप्टर 1 और उसका पार्ट एफ है, प्लीज़ आपने वो इसके साथ जो है वो मिला के आपने पढ़ना है इसके साथ, ठीक है। ये देखें ये आ गया, ये देखें ये क्या मैंने बताया बच्चों, मैंने क्या बताया, हाई कोर्ट रूल एंड ऑर्डर वॉल्यूम 1 और उसका चैप्टर कौन सा है, चैप्टर 1 और उसका पार्ट एफ और उसका आगे पैरा कौन सा 4 है, एलिसिटेशन ऑफ प्लीडिंग फॉर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज ऑन द डेट फिक्स फॉर सेटलमेंट ऑफ द इश्यूज द कोर्ट शुड देयरफॉर केयरफुली एग्जामिन द प्लीडिंग ऑफ द पार्टीज एंड सी। अच्छा, इस पे ना जाइएगा, ऑन द डेट फिक्स फॉर सेटलमेंट ऑफ द इशूज, ये चूंकि पुराना लॉ है, यानी ये रिसेंट अमेंडमेंट 2020 में आप आई हैं, तो ये पुराना लॉ था, ठीक है। अच्छा, द कोर्ट शुड केयरफुली एग्जामिन द प्लीडिंग ऑफ द पार्टीज एंड सी वेदर एलिगेशन फैक्ट मेड बाय ईच पार्टी आर इधर एडमिटेड या डिनाइड ऑपोजिट पार्टी। तो कोर्ट ने ये देखना है कि क्या जो है वो एक पार्टी ने दूसरी पार्टी, कोर्ट जो है वो क्या करेगी कि कोर्ट उनकी जो प्लीडिंग्स हैं उनको अच्छी तरह से देखेगी कि क्या एक पार्टी के एलिगेशंस को दूसरी पार्टी ने अच्छी तरह से एडमिट या डिनाई की है एज आउट टू बी जिस तरह उसको करना चाहिए था। इफ एनी एलिगेशन ऑफ द फैक्ट्स आर नॉट सो एडमिटेड आर डिनाइड इन द प्लीडिंग ऑफ एनी पार्टी इधर एक्सप्रेसली आर बाय क्लियर इम्प्लीकेशन द कोर्ट शुड प्रोसीड टू द क्वेश्चन द पार्टी आर इज प्लीडर एंड रिकॉर्ड कैटेगोरिकली हिज एडमिशन आर डिनाइल ऑफ द एलिगेशन। ये क्या है, ये ऑर्डर 10 रूल 1 है। तो बेसिकली बच्चों ये क्या कह रहा है, ये याद है आपको हमने पढ़ा था अवेसिव डिनायल, स्पेसिफिक डिनायल नहीं किया, तो ये बेसिकली उससे वो फैक्ट्स अगलवाने के लिए, उससे वो फैक्ट्स निकलवाने के लिए, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद इसके रूल 5 भी है, एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टी ऑर्डर 10 रूल 2 ऑफ द कोर्ट एम्पावर द कोर्ट एट द वेरी फर्स्ट ऑफ आर एनी सब्सिक्वेंट हियरिंग टू एग्जामिन एनी पार्टी अपीयरिंग पर्सन आर प्रेजेंट इन कोर्ट आर एनी पर्सन अकंपनिंग हिम हु इज एबल टू आंसर ऑल मटेरियल क्वेश्चन रिलेटिंग टू द सूट दिस इज ए मोस्ट वैल्यूएबल प्रोविजन एंड इफ प्रॉपरली यूज रिजल्ट्स फ्रीक्वेंटली इन सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम To use it properly, the court should begin by studying the plea and recording the admission and denial of the parties. सबसे पहले कोर्ट देखे ऑर्डर 10 रूल 1 की कार्रवाई पूरी कर ले। The court will then be in position to ascertain what fact need further elucidation. देखें वही बताया था कि rule 2 further elucidation के लिए by examination of the parties. The party should then be examined alternatively on all such points and the process of examination continued until all matter in conflict and specially matter of facts are clearly brought to the focus. ठीक है, तो दोनों पार्टियों को बारी बारी उस पॉइंट के ऊपर कोर्ट ने क्या करना है, उसको एग्जामिन करना है ताकि वो रियल कंट्रोवर्सी जो है वो सामने आ सके। व्हेन देयर आर मोर डिफेंडेंट देन वन दे शुड बी एग्जामिन सेपरेटली एज टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन बिटवीन देयर रिस्पेक्टिव डिफेंस। और जब दो पार्टी दो डिफेंडेंट हो तो कोर्ट ने दोनों को अलग अलग एग्जामिन करना है ताकि उनके दरमियान जो है वो मजीद जो है वो उनकी आपस में को कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। अच्छा, एग्जामिनेशन ऑन ओथ ऑर्डर 14 और रूल 3 ऑफ द कोर्ट इट विल अपीयर दैट एवरी एलिगेशन ऑफ फैक्ट मेड बाय एनी पर्सन अदर देन अ प्लीडर शुड बी मेड ऑन ओथ और सोलम अफर्मेशन। ठीक है, तो ये यहाँ लिख तो दिया गया है लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो अगर एग्जामिनेशन हो तो फिर उसको क्रॉस का भी जो है वो राइट तो उसको दिया जाएगा। एनी हाउ हम कह सकते हैं कि ये हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर के मुताबिक जो एग्जामिनेशन होगा वो ऑन ओथ होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द पार्टी व्हेन अ प्लीडर फॉर ए पार्टी आर इज एजेंट इज अनएबल टू स्टेट द फैक्ट टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट हैज द पावर टू रिक्वायर द पर्सन
पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द पार्टी, तो कोर्ट पार्टी को जो कोर्ट में इन पर्सन बुला सकती है। इट मे ऑल्सो बी नोटेड हेयर दैट द कोर्ट कैन रिक्वायर द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द डिफेंडेंट ऑन द डेट फिक्स फॉर फ्रेमिंग ऑफ द इश्यूज बाय ऑर्डर टू द इफेक्ट इन द समन इशूड इन द ऑर्डर 5 रूल 3। और कोर्ट ऑर्डर 5 रूल 3 के अंदर भी लिख सकती है कि आप इन पर्सन जो है कोर्ट में पेश हो। अच्छा, एग्जामिनेशन शुड बी इन डिटेल। इन एग्जामिनिंग द पार्टी आर द प्लेटर द कोर्ट शुड इंसिस्ट ऑन डिटेल एंड एक्यूरेट सेटलमेंट ऑफ द फैक्ट अ ब्रीफ आर वेग ऑरल प्ली दैट द सूट इज बार्ड बी लिमिटेशन बाय लिमिट और बाय रूल ऑफ रेस जुडिकाटा शुड नॉट बी रिसीव विदाउट अ फुल स्टेटमेंट ऑफ द मटीरियल फैक्ट्स एंड प्रोविजन ऑफ लॉ ऑन विच द प्ली इज बेस्ड। सिमिलरली व्हेन फ्रॉड कलूजन कस्टम इशू अंडर एस्टोपल इज प्लीडेड द फैक्ट ऑन विच द प्ली आर पे शुड बी फुली एलिसिटेटेड। ठीक है, कि यानी कोर्ट ने सिंपल उनका बयान नहीं लिखना बल्कि उसकी रीजंस भी उनसे पूछनी है और उसको भी रिकॉर्ड का हिस्सा माना है। एनी इंक्लिनेशन ऑफ अ पार्टी आर स्प्लिटर टू अवेड स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आर मेक ऑब्जेक्शन आर प्ली विच अपीयर टू कोर्ट टू बी फ्रिवलेस कैन बी प्रॉम्प्टली मेट व्हेन नेसेसरी बाय एन ऑर्डर फॉर फ्यूचर रिटन स्टेटमेंट आर पेमेंट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, जब कोर्ट को ये लगे, और अगर कोई पार्टी जो है वो जवाब ना दे या वो जो है वो बिला वजह ऑब्जेक्शन रेज करे तो फिर कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट उसको फर्दर रिटन स्टेटमेंट का ऑर्डर कर देगी और साथ में कॉस्ट के साथ कहेगी कि अब तुम इन राइटिंग जो है इन चीजों का बातों का क्या करो, जवाब दो। ठीक है, द पार्टी शुड कंसर्न शुड ऑल्सो बी वॉर्न दैट ही विल लायबल टू पे द कॉस्ट ऑफ द ऑपोजिट पार्टी ऑन द पार्ट ऑफ द केस एट एनी रेट इफ ही फेल टू सब्सटेंशिएट हिज एलिगेशन। और कोर्ट ने उसको ये भी वॉर्न करना है कि अगर अब भी तुमने इसकी वजाहत ना की तो तुम जो है वो दूसरी पार्टी को इतनी कॉस्ट पे करोगे। ठीक है, examination of the parties in person is practically particularly useful in cases of illiterate litigant. देखें, जहां पे लोग जो हैं वो ना समझ होते हैं, much hardship to the people will be prevented if the presiding officer examine the parties personally and sift the case thoroughly at the outset. ठीक है, कोर्ट एक दफा केस को पढ़ ले, पार्टियों को बुला ले और उनको एग्जामिन कर ले तो बहुत सारा जो मामला जो है वो उसके क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। तो बच्चों, हमने हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर भी देख लिए, ऑर्डर 10 के ऊपर मैंने कोशिश की है कि मैं आपको उस पर मैक्सिमम नॉलेज जो है वो प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू सो मच, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।